हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव्स कैफे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने वो पांच कार्स आपको बताई है जो 10 लाख के अंदर सबसे ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर हो एंड आपको सबसे ज्यादा माइलेज प्रोवाइडिंग कार चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने जो कार्स की माइलेज बताई है वो सारी कंपनी ने क्लेम्ड की हुई माइलेज है। सो अगर आप उसको ऑन रोड माइलेज के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली डिफरेंस तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड यस गाइस, इसी वीडियो की तरह हमने टॉप 5 बेस्ट माइलेज प्रोवाइडिंग कार्स अंडर 5 लाख इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। तो चले फिर फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो की शुरुआत हम पांचवें नंबर से करते हैं। फिफ्थ रैंक पे आती है मारुति सुजुकी नेक्सा सियाज। अंडर 10 लाख सियाज के आपको टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हम जैसे बताते हैं ये हर बार कि सियाज की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट सियाज में आपको कंफर्टनेस एंड माइलेज बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाती है। सियाज में आपको 20.65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। एंड सियाज इज पावर्ड बाय 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। एंड इस इंजन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रही है Hyundai Grand i10 Nios। अब आपको पता ही है कि Grand i10 Nios में टोटल 4 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल एंड CNG। अगर मैं स्पेसिफिकली पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो इट इज पावर्ड बाय 1.2 लीटर इंजन विच इज मेटेड टू 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड इस इंजन में 20.7 किलोमीटर पर लीटर की काफी डिसेंट माइलेज देखने को मिलती है। वैसे तो ग्रैंड i10 Nios के टोटल 15 वेरिएंट्स अवेलेबल है, बट पेट्रोल इंजन के टोटल 8 वेरिएंट्स आपको अंडर 10 लाख देखने को मिल जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब ये कार ने इंडियन कार ऑफ द ईयर के अवार्ड्स टोटल 3 टाइम्स जीते हुए हैं। एंड स्विफ्ट एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इंजन की बात कर ले तो इट इज पावर्ड बाय 1.2 लीटर इंजन जिसमें आपको 21.21 kmpl की माइलेज देखने को मिल जाती है। प्राइसेस की बात कर ले तो इट रेंजेस फ्रॉम 5.19 लाख टू 8.02 लाख। स्विफ्ट में आपको टोटल 7 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी 8 लाख के अंदर। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दो कार आ रही है एंड दोनों ही कार के लुक्स, इंजन एंड स्पेसिफिकेशंस एंड साथ ही साथ माइलेज भी सेम ही देखने को मिलती है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्सा बलेनो एंड टोयोटा ग्लांजा। बोथ कार्स आर पावर्ड बाय 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें 23.87 किलोमीटर पर लीटर की काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिलती है। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो बलेनो के टोटल 9 वेरिएंट्स एंड ग्लांजा के टोटल 5 वेरिएंट्स अंडर 10 लाख देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ग्लांजा की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू बलेनो, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और फाइनली दोस्तों, पहले नंबर की बात कर लेते हैं एंड फर्स्ट रैंक पे भी मारुति की ही कार आ रही है। हालांकि गाइस, मारुति कैसे कंपनी है जो हर बार माइलेज पे कुछ ज्यादा ही फोकस करती है, तो अगर आप माइलेज के बारे में देखने जाओ तो मारुति आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। अब जो फर्स्ट रैंक पे कार आ रही है वो आपके लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान हो सकती है एंड द नेम ऑफ द कार इज डिजायर। डिजायर इज पावर्ड बाय 1.2 लीटर इंजन जिसमें आपको 24.12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। डिजायर में टोटल 7 वेरिएंट्स है जिसकी प्राइस रेंज होती है फ्रॉम 5.89 लाख टू 8.81 लाख। एंड ये कार में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हर वीक लाते रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।